Welcome to Technique Classes, Chapter 16, The Digestive System, Mouth Parts. इस वीडियो में मैं होठ, दांत और जीभ के बारे में बताऊंगा। होठ के मसल्स को ऑर्बिकुलरिस ऑरिस बोलते हैं, जो होठ को हिलाने में मदद करती है। होठ के ऊपरी सरफेस पर सेबेसियस ग्लैंड हैं, जो होठ को गीला और मॉइस्ट बनाए रखती है। मसूड़ों या गम्स और गाल के बीच में खाली जगह को वेस्टिब्यूल बोलते हैं। अब बात करते हैं दांत की। दांत चार प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्री मोलर। इंसीजर काटने में काम आते हैं, कैनाइन मांस को फाड़ने के काम आते हैं। इसी वजह से नॉन वेजिटेरियंस के कैनाइन काफ़ी अच्छे होते हैं। प्री मोलर एंड मोलर खाने को बारीक बनाने का काम करते हैं। एडल्ट ह्यूमन डेंटल फार्मूला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें पहले नंबर ऑफ इंसीजर है, यानी कि दो, उसके बाद में एक कैनाइन है, दो प्रीमोलर एंड तीन मोलर। बच्चों का डेंटल फार्मूला भी दिख रहा है आपको, जो 2102 है। डेंटल फार्मूला एक जबड़े के आधे हिस्से में कितने दांत हैं वो बताता है। एडल्ट में मोलर की जगह पर प्रीमोलर आ जाते हैं और मोलर खाली जगह में आते हैं सबसे पीछे, इसलिए मोलर के आगे कोई दांत नहीं होता, वो खाली जगह में से निकलता है। विजडम टूथ मोलर टूथ ही होता है, जो कि सबसे आखिरी में आता है, जनरली 18 से 25 साल की उम्र में आ जाता है। टीथ को मैं अपने अगले वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताऊंगा, इसका स्ट्रक्चर और इससे जुड़ी कुछ टर्मिनोलॉजी। चलिए अब बारी है जीभ की। मुंह में जीभ जिस जगह से जुड़ी होती है उसे फ्रेनुलम कहते हैं, और गले में वो हाइड बोन से जुड़ी हुई है, जो गले के अंदर सिर्फ लटकी रहती है। जीभ की ऊपरी सतह या सरफेस रफ और खुरदुरी होती है, क्योंकि इसके ऊपर पेपिले होते हैं, जिसमें टेस्ट बड है जो हमें टेस्ट करने का सेंस देते हैं। पेपिले चार प्रकार के होते हैं, फिलिफॉर्म पेपिले जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, फंगीफॉर्म पेपिले टेस्ट करने में मदद करते हैं, फॉलिएट पेपिले सबसे कम पाए जाते हैं, और जीभ के सबसे पीछे सर्कमवेलेट पेपिले पाए जाते हैं। एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा बनता है, जिसका पीएच 6.8 है, यानी कि थोड़ा सा एसिडिक होता है। जीभ की सूजन को ग्लॉसाइटिस कहा जाता है, जो कि ज़्यादातर विटामिन की कमी से होता है। टेस्ट के सेंसेशन को ब्रेन तक ले जाने वाली नर्व फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।